हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी स्कॉट आई एम शिवानी चौहान इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास एथ इंग्लिश की बुक की जो पोएम है द लास्ट बागेन उसके क्वेश्चन आंसर्स ज़्यादा नहीं है छोटी सी वीडियो होगी बिल्कुल तो देखते हैं हु इज़ द स्पीकर इन द पोयम पोएम में जो स्पीकर हैं वो कौन है द पोएम द पोएट हु इज़ इन द सर्च ऑफ अ जॉब इज़ द स्पीकर इन द पोएम जो पोएट हैं जिन्होंने कविता लिखी है जो जॉब ढूंढ रहे हैं वही इसके स्पीकर हैं किंग सोर्ड एन हैंड सजेस्ट जो किंग है उसके हाथ में स्वॉर्ड है यानी कि तलवार है वो क्या सजेस्ट करती है ऑब्वियसली वो ताकत को पावर को सजेस्ट करती है नेक्स्ट क्वेश्चन द ओल्ड मैन ऑफर्ड द स्पीकर अ लॉट ऑफ मनी वाई डिड ही टर्न डाउन द ऑफर तो ओल्ड मैन काफ़ी सारा पैसा ऑफर करता है कि मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा बट पोएट जो है उस ऑफर को नहीं लेते स्वीकार नहीं करते मना कर देते हैं टर्न डाउन कर देते हैं ऐसा क्यों द स्पीकर प्रोबेबली डिड इंट नीड मनी इट वॉज ऑफ़ नो वैल्यू टू हिम दे आर फोर ही टर्न डाउन द ओल्ड मैं ऑफर तो शायद स्पीकर को मनी की मतलब मनी की पैसे की इतनी कोई ज़रूरत नहीं थी इसलिए उन्होंने उस ऑफर को मना कर दिया नेक्स्ट है फाइंड इन द पोएम लाइन्स दैट मैच द फॉलोइंग रीड बोथ वन आफ्टर अनदर तो आई हैव नथिंग टू गिव यू एक्सेप्ट गुड विल एंड चीयर तो इसके बाद क्या आता है आई हायर यू विथ नथिंग बच्चा कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता मैं सिर्फ तुम्हें खुशियाँ दे सकता हूँ अच्छी सोच दे सकता हूँ तो आई हायर यू विद नथिंग बिना किसी चीज के मैं तुम्हें हायर करता हूँ हर हैप्पीनेस नो मोर देन सोरो इन द हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इन टू डियर्स तो मतलब जो उसकी खुशी थी वो सिर्फ ऐसा कुछ नहीं था सौरों था मतलब तो दुख था जो कि बस छुपा हुआ था यही था तो उसका जो स्माइल थी वो पेड़ थी वो फीकी सी स्माइल थी और वो एकदम रोने लगी थी नेक्स्ट है द किंग्स माइट वॉज नॉट वर्थ मच बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट तो इसके बाद ये वाली लाइन आती है मतलब पोएम के बाद इस लाइन के बाद कौन सी आती है बस यही बताना था नेक्स्ट है हाउ डिड द स्पीकर फील आफ्टर टॉकिंग टू चाइल्ड ऑन द बीच तो बच्चे से बात करने के बाद स्पीकर को कैसा लगा था इसका आंसर है द स्पीकर फेल दैट ही वुड गेट द फीयर रिटर्न फॉर हिज वर्क विद द चाइल्ड ही एक्सपेक्टेड टू गेट हैप्पीनेस सेटिस्फैक्शन चीयर एंड रिटेन हिज फ्रीडम टू तो बच्चे के साथ बात करके राइटर को लगा कि बच्चे के साथ काम करके वो बहुत खुश रहेंगे सेटिस्फाई रहेंगे उनको हमेशा मजा आएगा और अपने काम में उन्हें आज़ादी भी मिलेगी तो यही कुछ पोएम के इसके क्वेश्चन आंसर्स थे हमने देख लिए अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए थैंक यू